आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून के कैंट क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 75 वर्षीय हरबंस कपूर के निधन से पार्टी और क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार भी संभाला था। आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरबंस कपूर के देहरादून स्थित आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। आपको बता दें कि हरबंस कपूर जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा सजग रहते थे। वो बीजेपी के बेहद सहज और शालीन नेता माने जाते थे। उनकी जनता में अच्छी पकड़ थी। 7 जनवरी 1946 को जन्मे हरबंस कपूर एक कुशल राजनीतिज्ञ रहे। कैंट क्षेत्र में उनका जबरदस्त दबदबा रहा। उन्होंने लगातार 8 बार इस सीट पर विधायक होने का गौरव प्राप्त किया। इससे जनता के बीच उनकी पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। हरबंस कपूर 2007 से 2012 तक उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1985 में उन्हें पहली हार मिली थी, लेकिन इसके बाद से वो कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे और लगातार 8 बार विधायक बने। विधायक हरबंस कपूर की मौत की खबर मिलते ही पार्टी के नेताओं के साथ ही समर्थकों का उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आज दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यालय में लाया जाएगा। इसके बाद 3 बजे लक्खीबाग में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।